पापा हम कहाँ पर आए हैं? बेटा तुम हमेशा कहते थे ना कि पापा हमें कहीं घुमाने ले जाते, घुमाने नहीं ले जाते। आज मैंने अपने पूरे महीने की सैलरी खर्च करके ना ये रिसोर्ट बुक करवाया कि मेरे बेटे का बर्थडे है, आज फुल सेलिब्रेट करो मेरे बेटा। अच्छा पापा। हाँ बेटा। चल छोटी। चल बड़ी। और मैंने कहा जी चले हम भी अपने स्वीट रूम में। चलिए आइए। अच्छा वो सब छोड़, देख जो इसके ऊपर सबसे पहले चढ़ेगा वो सिकंदर, नहीं तो वो बंदर। मेरे से पंगा लेगी। अरे मैं जीत गई बंदर, मैं जीत गई बंदर। तू चीटर है, चीटर। छोटी मजा आ रहा है ना? हाँ बड़ी बहुत मजा आ रहा है। अदिति तूने अपने पापा को देखा कहाँ है वो? नहीं मम्मी मैंने पापा को नहीं देखा। पता नहीं दिन बताए कहाँ चले गए। मम्मी वो अंकल ना थोड़े पापा जैसे लग रहे हैं। हाँ छोटी बहुत भूख लग रही है ना। हाँ एक काम करते हैं, तुमने कीड़े लगाए ना वही खा लेते हैं। सही कह रही है छोटी, मेरे को भी भूखी लग रही थी। अरे बेटा। हाँ पापा। तुम्हारे कीड़े कहाँ गए? पापा हमें भूख लग रही थी इसलिए हमने खा लिए। तुमने खा लिए? बेटा भूख तो मेरे को भी लग रही है, चलो मैं भी ये खा लेता हूँ। हेलो गुड इवनिंग सर, तो कैसे लगा हमारा पैकेज आपको? अगर हमारा पैकेज आपको सही लगा है तो 5,000 आपका और 5,000 आपकी मिसेस का हो रहा है और 3,000 आपके बच्चे का हो रहा है, तो प्लीज पेमेंट कर दीजिए। 5,000 काय बात के 5,000? ये 10 रुपए का खीरा 2 रुपए के टिश्यू पेपर दे के कहते 5,000 काय बात के 5,000 को बताओ जरा। मानते कि गांव के, गांव का मतलब ये नहीं कि हम गवार हैं। 5,000 चाहिए, बताना जरा काय बात के 5,000? मैम ये हमारा पॉलिसी है। काय बात की पॉलिसी, हमने कोई बीमा करवा रखा है जब पॉलिसी भरते रहेंगे? चलो जी लगा लो दोबारा, आए बड़े खीरा दो इनका खत्म हो गया है। सर कुछ और चाहिए खाने के लिए? नहीं भैया बस और कुछ चाहिए खाने के लिए। दीदी वो इसकी ना पाद आया। तो क्या दिक्कत है, पाद लेना, इतना बड़ा जंगल है पाद ले। क्या ही भैया आपको दिक्कत दिक्कत है? नो मैम मैं आपके लिए गरम नींबू पानी ला रहा हूँ, ठीक है? ए भैया इधर आओ जल्दी।
हाँ जी मैम, क्या चाहिए? एक ब्रश, टॉवल, कोलगेट, साबुन, ये लिया जल्दी से। मैम ये सारी चीजें अंदर तो है, इतना बड़ा बोतल की शैम्पू था, वो तो कैसे खत्म हो गया? भैया इंसान है, रगड़ रगड़ के नहाते तो खर्च तो होगा, अपनी नहाते क्या? जाओ जल्दी लेके आओ। अच्छा ठीक है मैम, अभी ला रहा हूँ। ओ भैया, ओ भाई, बात सुन, एक फ्रेश टॉवल मेरे लिए भी लेके आना, क्योंकि मैं इनका टॉवल यूज नहीं करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। यहाँ से दो टॉवल। चलो जी। हाँ टॉवल दो है ना? ठीक है। और मेरा कॉलगेट ब्रश? मैम वो तो मैं भूल ही गया। ये क्या बात हुई, चलो जाओ अब जल्दी से लेके आओ तो। अरे भैया बात सुनो, एक साबुन मेरे लिए अलग से लेके आना, क्योंकि मैं इनका साबुन ना यूज नहीं करता। अच्छा ठीक है सर। आप तो अंदर चलो, अभी बताती हूँ किसका साबुन यूज करते हो किसका नहीं। थे इतना सा सामान लाने में इतना टाइम लगता है, और तुम्हें बोला था बॉडी लोशन लाने का, वो नहीं लाया तुमने? मैम वो जल्दी से जाओ लेके आओ। दीदी उसके मजे लेके आए। हाँ छोटी, हम ऐसे बैठे अच्छे नहीं लगते, चल उसके मजे लेते। चल बड़ी। नदी जैसी लग रही है। अरे बेटा इसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, हमारे जमाने में इसको झील कहते थे, और इसमें हम भैंसे नहाया करते थे हम, और अब इसमें लोग नहाते हैं। अच्छा पापा, हम इसमें नहा सकते हैं? हाँ बेटा क्यों नहा सकते हैं। ठीक ठीक चलो। चलो भैया हम चलते हैं, बहुत मजा आया यहाँ पे। ओके जी प्लीज वापस मत आना। क्या बोले? मतलब ये कि वापस जरूर आना, हमको भी आपको मिलना चाहते हैं। हाँ चलो ठीक है, नमस्ते। हाँ चलो बेटा। चलो मम्मी। मम्मी तुमने सारी चीजें रख तो ली है इस होटल की? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, मैंने टॉयलेट पेपर से लेके टॉयलेट ब्रश तक सब कुछ रख लिया है, अब घर चलो तुम लोगों की अच्छे से धुलाई करूंगी मैं। तुम तो बढ़िया मम्मी। अरे मम्मी किसकी हो। साबुन की खुशबू बहुत अच्छी है।